y ये स्टोरी टेलर मीडियम है और आप स्टोरी टेलिंग गाने के ज़रिए, डांस के ज़रिए, अपने शरीर के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने किरदारों के ज़रिए आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं। यही आपकी फ्रीडम है, इसलिए ये मुक्ति मंच है। और ये मेरे पिताजी ने एक नाम सोचा था कि जैसे ही आप पे लाइट्स आती हैं तो आपके अंदर की एक रोशनी, दिव्य रोशनी जगती है कि अब मैं जो कहूँगी या कहूँगा उसमें एक प्योरिटी होगी। सो दैट इज़ द एसेंस ऑफ मुक्ति मंच। और यहाँ पर हमारी शुरुआत चिल्ड्रंस डे पर हो रही है, वो भी बच्चों के साथ। और पहली बात तो बहुत मेहनत लगती है, इट्स नॉट ईजी। हाँ, मतलब देख के लग रहा होगा कि शुरुआत में ही ऐसा बच्चों के साथ ये हुए हो, बट आपके बेसिक्स पॉलिश हो जाते हैं। यू गेट टू टेल द स्टोरी इन अ क्यूटर वे, इन अ बेटर वे। एंड मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है अपने बच्चों पर। मुझे लग रहा है हमारे मेरे बच्चे हैं, वो 16 बच्चे जो स्टेज पे जा रहे हैं एज वॉरियर्स। और वैसे तो फूल बने हैं क्योंकि आज बगिया में बगावत हो रही है कि किस तरह का रूल होना चाहिए, मोनार्की होगी कि डेमोक्रेसी होगी। सो दिस प्ले इज़ फॉर द चिल्ड्रेन, टू द चिल्ड्रेन एंड बाय द चिल्ड्रेन। तो हम लोग भी अपने आप को बच्चा ही मानते हैं क्योंकि एक शुरुआत है मेरी, और मेरी शुरुआत जो हुई थी वो थिएटर से हुई थी, डांसिंग पे हुई। और ये कौन आ गया? बगिया में कीड़ा। क्यों नीति दी सेवा, शक्ति दी सेवा, एंड दे ऑलवेज हैव माई सपोर्ट। एंड आई एम फीलिंग सो नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम कि मेरा कुछ पहली बार आई एम पुटिंग अप अ स्टोरी टुगेदर। लास्ट वन मंथ से हमारे घर में एवरी डे सो मेनी किड्स, बगावत हो रही है, बगावत चल रही है। टेरिस पे बच्चों की रिहर्सल्स होती हैं और राइट फ्रॉम वर्कशॉप्स टू स्टेज पे खड़े कैसे होना है, स्टेज पे कैसे होना है, कैसे वॉइस प्रोजेक्ट करनी है। और देर आर सो मेनी थिएटर एक्सरसाइजेज जो बच्चों को पहली बार इंट्रोड्यूस की गई हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसी एज में उनसे वो सब कराया जाए। सो अब जब हम प्ले देख रहे हैं एंड उनकी 3-4 weeks का जो मेहनत देख रहे हैं, इट्स लुकिंग सो गुड राइट फ्रॉम कॉस्ट्यूम्स टू मेकअप, उनकी जो भी सिंगिंग प्रैक्टिस है, वॉइस टेक्निक है, एवरीथिंग शी इज़ डन विद हर टीम, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर। आई थिंक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि ये चिल्ड्रंस डे है और मुक्ति का पहला प्ले बच्चों से स्टार्ट हो रहा है और सबसे अच्छे एक्टर्स आज पहली बार बन रहा है, बहुत मतलब स्कूल के बाद अब बन रहा है। तो इट फेल्ट वेरी गुड एंड आई एम सो प्राउड मुक्ति, एंड मुक्ति मंच इज गेटिंग लॉन्च टुडे एट नृत्य शक्ति स्टूडियो। ये नाम का आइडिया किसका था? काफी अच्छा नाम है मुक्ति मंच, पापा ने नाम रखा है। और उनका मैंने जैसे कि बताया आपको कि जैसे ही आप पर स्टेज की ऐसी रोशनी आती है, स्पॉटलाइट आती है, वैसे आपके अंदर की ऐसी एक ऐसी शक्ति आती है आपके अंदर, ऐसी फ्रीडम आप महसूस करते हो कि अब मैं जो भी कहूँगी या कहूँगा वो एक प्योरिटी से ही निकलेगा। सो यू नो दैट एसेंस ऑफ द नेम इज ओनली सो ब्यूटिफुल, और उसमें मेरा नाम है जुड़ा हुआ, तो दैट मेक्स इट इवन मोर सेलिब्रेटरी एंड इट्स लाइक अ कार्निवल ऑनेस्टली। सो आई एम फीलिंग हैप्पी, नर्वस। मुक्ति और मैं एक्चुअली जब तक हम लोग कॉलेज में थे वी वर किड्स ओनली, क्योंकि दीदी कहती थी तुम लोग डिस्गस्टिंग हो, तुम बड़े क्यों नहीं हो रहे हो। हम सच में पापा गर्ल्स के फैन हैं कि हम लोग कार्टून नेटवर्क में और मुक्ति देखते रहते थे दिन भर, मतलब वी वर नॉट ग्रोइंग अप, वी वर नॉट रेडी। एंड आई थिंक जो हमारे अंदर जो बच्चा होता है ना, दैट कीप्स अस अलाइव। तो ये दिन इससे ज़्यादा अच्छा कोई हो नहीं सकता था, दैट ऑल ऑफ अस आर कमिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे। ऑल्सो आई फील बचपन से ही अगर एक फाउंडेशन सेट की जाए ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऑफ लर्निंग म्यूजिक, लर्निंग आर्ट फॉर्म, वो एक ऐसा आपके अंदर एक आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी का कीड़ा आपके अंदर लग जाता है जो पूरी लाइफ टाइम रहता है आपके साथ। सो देन नो मैटर वॉट प्रोफेशन यू चूज, पर अगर आप में अगर आर्ट की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन है और अगर आपने परफॉर्म किया है, इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट एंड इट मेक्स यू मोर इन रिदम विद लाइफ। So very happy
चिल्ड्रंस डे आज और ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया हम सब के लिए, बिकॉज दिस डे इज़ हिस्ट्री फॉर अस, फॉर मोहन परिवार, बिकॉज चिल्ड्रंस प्ले हुआ है और चिल्ड्रंस डे दिस इज़ द प्ले फॉर द पीपल, फॉर द किड्स, सॉरी ये हमारा बच्चों का फॉर द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन, एंड दैट्स द एसेंस ऑफ द प्ले ऑल्सो, बगिया में बगावत, कि किस तरह से एक द काइंड ऑफ मोनार्की रूल इज यू नो मूविंग टू डेमोक्रेसी. तो आई वॉन्ट यू गाइज टू कम फॉर बगिया में बगावत एंड सारे नाटक और जितनी भी हमारे प्रोडक्शन होने वाले हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड और इतनी सारी कहानियाँ हैं, आई कांट वेट टू शेयर थ्रू मुक्ति मंच. थैंक यू सो मच. सीरियस भी जज करके देखा जाए तो हाँ जी, आज का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका लगा आपको? अरे आज कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे, आई थिंक उनको जज करना थोड़ा नाइंसाफी होगी. बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और उनको देख के मुझे लग रहा था कि दे आर सो लकी दैट मुक्ति इज ट्रेनिंग देम, क्योंकि मुक्ति मैं समझती हूँ हम चारों बहनों में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव मुझे लगती है मुक्ति, एंड इससे मैं कितना सीखती हूँ और ये बच्चे इतनी यंग एज में सीख रहे हैं. आई थिंक दे आर ब्लेस्ड, ऑल द किड्स वर वंडरफुल. इसके अलावा दीपिका रणवीर सिंह की शादी हो रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई हैव अ शो. कांग्रेचुलेशंस अपनी शादी में. हैप्पी चिल्ड्रंस डे एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू. Please, let me go.